हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट इंग्लिश 2 यूनिट नंबर 11 डिग्री ऑफ कंपैरिजन एक्सरसाइज नंबर 4 जिसने नहीं लिखा वो लिखना, मैं देखूंगी। अभी बैठना नहीं है। मैं उसको आंसर पूछूंगी। चलो हेडिंग लिखो, चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। चेंज हेडिंग लिखो, चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। Without changing the meaning, without changing the meaning, first sentence likho, the habit of reading. Resources of mankind.
फिर से बोल रही हूँ, द हैबिट ऑफ रीडिंग इज अ ग्रेटर रिसोर्स देन मोस्ट अदर रिसोर्सेज ऑफ मैनकाइंड। क्लियर, समझ में आया? चलो सेकंड एग्जांपल लिखो, सेंटेंस नंबर सेकंड। सुपरलेटिव
क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, बेस्ट, बेस्ट वर्ड यूज किया है। सुपरलेटिव डिग्री है तो कंपेरेटिव एंड पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, तो लिखो पॉजिटिव, पॉजिटिव। नो अदर म्यूरल डेकोरेशंस, नो अदर म्यूरल डेकोरेशंस आर, नो अदर म्यूरल डेकोरेशन आर एज गुड एज बुक्स, एज गुड एज बुक्स, फुल स्टॉप। चलो कंपेरेटिव, कंपेरेटिव लिखो सामने आंसर। बुक्स आर बेटर म्यूरल, बुक्स आर बेटर म्यूरल डेकोरेशन, बुक्स आर बेटर म्यूरल डेकोरेशन देन एनी अदर डेकोरेशन, देन एनी अदर डेकोरेशन, फुल स्टॉप। बेटर म्यूरल, अच्छा Come on.
any whole paper. Books are most attractive in design any whole paper. Fifth number का एग्जाम्पल लिख लिया. फोर्थ पॉजिटिव और सुपरलेटिव क्लियर. फिफ्थ नंबर का लिखो. बुक्स आर मोर वेरीड varied बुक्स आर मोर वेरीड यानी कि वेराइड इन कलर एंड कलर इन कलर मोर वेराइड इन कलर एंड अपीरियंस देन एनी अदर होल पेपर. अपीरियंस APPEARANCE appearance then any whole paper then THAN वाला then any whole paper WALLPAPER કેમ ભાઈ સ્પેલિંગ નથી આવડતું આપણને જોવું પડે છે આજુબાજુ આન્સર લખો કોણ સી ડિગ્રી આન્સર બતાવું છે कौन सी डिग्री है कंपेरेटिव तो कौन सी डिग्री में कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव एंड सुपरलेटिव में तो पॉजिटिव करके लिखो. नो होल पेपर इज एज वेराइड no wallpaper is as varied in color and appearance spelling dekh kar likhna and appearance as books are full stop. चलो सुपरलेटिव बुक्स आर मोर वेराइड बुक्स आर मोस्ट वेराइड सुपरलेटिव में मोस्ट आएगा इन कलर any whole paper clear. चलो सिक्स नंबर का I regard REGARD GARD I regard nature herself is the greatest feature at the greatest feature of the world of the world 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 मास्क ऊपर भाई जिसके वो नीचे है वो कौन सी डिग्री है कौन बताएगा हाथ ऊपर किशन क्यू सुपरलेटिव दी ग्रेटेस्ट ठीक है मींस ईएसटी वाला फॉर्म है तो कौन सी डिग्री है सुपरलेटिव तो कौन कौन सी डिग्री के अंदर कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव बेसो चलो पॉजिटिव का आंसर लिखो नो
regarded by me. I ka me. Regarded by me as great as nature. As great as as great. G-R-E-A-T. Great. फिर से as nature. N-A-T-U-R-E. क्लियर? यस. पॉजिटिव का आंसर सामने. अब नीचे लिखो कंपेरेटिव का आंसर. कंपेरेटिव करके लिखो. नेचर इज ग्रेटर देन. नेचर इज ग्रेटर देन एनी अदर फीचर्स. एनी अदर फीचर. नेचर इज ग्रेटर देन एनी अदर फीचर ऑफ द वर्ल्ड. ऑफ द वर्ल्ड बाय मी. W O R L D. बाय मी. फुल स्टॉप. नेक्स्ट. सेवन. What I did. What. W H A T. I did in these last 4 years. Hose. W-A-S. W-A-S. Hose. More remarkable. More remarkable. Is what I did. What I did. Sorry. More remarkable. फिर से बोल रही हूँ. What I did in this last 4 years was more remarkable than. Remarkable के बाद than. T-H-A-N. Than. What I had. What I had done. D-O-N-E. In the last 60 years. Y-E-A-R-H. Full stop. चलो कौन सी डिग्री है बोल. कंपेरेटिव है तो पॉजिटिव का आंसर बोल. चल क्या पूछता रही. तो खबर कब पड़ी का कंपेरेटिव छो. हाँ आंसर बोल पॉजिटिव नो. सेवन नंबर. What I did in the last 60 years was not remarkable as what I did in this last 4 years. लिखो पॉजिटिव का आंसर. What I did in the last 60 years. What I did in the last 60 years was not. Was not as remarkable as. As remarkable as. What I did in this. What I did. In this. T-H-E-S-E. Last four years. Full stop. चलो सुपरलेटिव का आंसर लिखो. व्हाट आई डिड इन दिस लास्ट 4 years. व्हाट आई डिड इन दिस लास्ट 4 years वाज मोस्ट रिमार्केबल.
60 years. In the last 60 years, बोलो. What के बाद? पहले से बोलो. नहीं. What I had. Had. H-A-D. Done. In the last 60 years. Okay. Clear? बाकी रहे हो कोई नहीं अवे.